नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो, इसमें हम बात करने वाले हैं ये जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, इसके द्वारा जो हाल ही में राजस्व लेखापाल के लिए जो परीक्षा ली गई थी, उसके बाद जो है इनकी आंसर की जारी हुई थी, और आंसर की जारी होने के बाद उस पर जो आपत्तियाँ मांगी गई थी, तो आपत्तियों के बाद जो आंसर की है वो दोबारा से रिवाइज की गई है। और अगर आप इस रिवाइज आंसर की को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिखाई देगा, तो ये जो नोटिस बोर्ड है इसी में ही आपकी ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और ये आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखापाल मुख्य परीक्षा। और जैसे जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी, और ये आपकी यहाँ पर आंसर की जो आ चुकी है, और ये आप देख सकते हैं ये डेट है आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखापाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व लेखापाल के रिक्त पदों पर चयनित संपन्न मुख्य परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्रों की 8वीं सीरीज की उत्तर कुंजी जारी किए जाने संबंधी सूचना संख्या 42/3 कंप्यूटर इतना दिनांक 1/8/2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। उपरोक्त अनुसार दिनांक 1/8/22 को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त जो आपत्तियां थी, इनके निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्न पत्र की 8 सीरीज ABCDEFGH की संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट है जिस पर हम इस समय है, पर अपलोड कर दी गई है, तो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या है संशोधित उत्तर कुंजी और राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, ये डेट थी आपकी 31/7/22, और ये सीरीज है यहाँ पर बुकलेट सीरीज ए, और जहाँ पर भी आपको जाइए वाले निशान दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर फुल मार्क्स ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पर 15 है, तो अलग अलग सेट के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है, तो जहाँ पर भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे तो इसका मतलब है कि इसके आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर आपका सेट बी है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 ये, तो अलग अलग सेट में ये अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने अनुसार जांच कर ले, और ये सभी में एक क्वेश्चन है तो वो अलग अलग है जिसके नंबर सभी को दिए जाएंगे। ये ई में जो पहला ही क्वेश्चन है, तो आप दोबारा से मिलान जो आपने आंसर की का कर सकते हैं। और ये आपका एच है बुकलेट, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यही जो है हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।